आज हनुमान जयंती के दिन पे तुम्हें वही करना है जो कृष्णा जी ने हनुमान जी को करने को कहा था। क्या कहा था? एक बार सुदर्शन चक्र को अपनी शक्तियों पे बहुत घमंड हो गया था, तब कृष्णा जी ने हनुमान जी से कहा था, मंगल मूर्ति रूप। अब जिस तरह हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड तोड़ा, उसी तरह तुम्हें अनुसुया का घमंड तोड़ना होगा बेबली। अरे मई भौजी, ओ मई भौजी, अरे हनुमान जयंती में सीता मैया उदास काहे बैठी है? ये देखिए अपने राम जी को। अरे मई भौजी, सागर भैया तो कल आएंगे, लेकिन आपकी हंसी वापस लाने के लिए हमने किसी को बुलाया है। पूरी बाबा, कि भाभी अब तो वो प्रसिद्ध संगीतकार बने हो ना? पूरी बाबा, नाम अमर भोपेदा, चौंगीत हमारे मन में और सोना हमारे तन पे। जूम जूम जूम, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। आमी तुम्हाके एक्स्ट्रा सुंदर गाना सुनिया थी। नहीं भाभी, अभी नहीं, मेरा मन नहीं है। सागर जी नहीं है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे मही भौजी, एक तरीका है, सोनिया भौजी हम और आप तीनों मिलके खेल खेलते हैं। आप दोनों भागे, हम लंगड़ी करके पकड़ेंगे। अरे मही भौजी, हमारी बात तो मानिए, अब सीता मैया अपने हनुमान जी की बात नहीं मानेंगी। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या खेलना है? लंगड़ी। अच्छा, चलिए आप लोग भागे, हम पकड़ते हैं। हाँ, सागर भैया अभी बैठिए, हम आते हैं खेल के। हाँ, अब भागे, हम पकड़ते हैं। बोना? अरे मैडम जी, आप आ गई, आप भी हमारे साथ लंगड़ी लंगड़ी खेलिए ना, बड़ा मजा आ रहा है। बोना, मैं तुम्हें मजे करने का नहीं, काम करने का पगार देती हूँ। नौकर को अपने और मालिक के बीच का फर्क भूलना नहीं चाहिए। सासू मां ऐसे क्यों बोल रही हो? पौना भाई तो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मैडम जी, हमसे इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई? पौना, तुमने पटेल जी के साथ बदतमीजी की। मैंने तुम्हें पटेल जी के यहाँ पे भेजा था और तुम उनसे झगड़ा कर आए। मैडम जी, पटेल साहब ने आपसे ये बताया कि हमने उनसे झगड़ा किया, लेकिन झगड़ा क्यों किया ये नहीं बताए। वो आपको झगड़ालू सास और मही भौजी को बिगड़ेल बहू बोल रहे थे। पौना, झूठ मत बोलो, तुम्हें उन्होंने चोरी करते हुए पकड़ा था। क्या? अमीर की जब चोरी पकड़ी जाती है ना मैडम, तो वो गरीब को जिम्मेदार ठहरा देता है। मैडम, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। सासुमा, बिना पूरी बात जाने पौना भाई के बारे में ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचना अच्छी बात नहीं है। जब गरीब की चोरी पकड़ी जाती है ना, तो वो अमीर को दोष देता है ताकि दुनिया के सामने उसे सहानुभूति मिले। And excuse me, तो मेरी फैसले पर शक कर रही हो? दिन में रोज ऐसे 100 फैसले लेती हूँ मैं, और उसमें से एक भी फैसला कभी गलत नहीं गया है। देखिए सासुमा, आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अहंकार होना तो... ओह, तो अब तुम मुझे अहंकारी कह रही हो? ठीक है, हूं मैं अहंकारी, लेकिन जो सच है वो है। ये सच नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। अरे बेबली,
अहंकार ने रावण जैसे महाप्रतापी महापंडित को परास्त कर दिया था तो ये अनुसुया किस खेत का कद्दू है? नाना, कद्दू नहीं, मूली दादी सास। हाँ, 20 साल पहले उसका अहंकार मूली जितना छोटा था, अभी फूल के कद्दू जितना बड़ा हो गया है। दादी सास, सासू माँ का ये मानना है कि पौना भाई ने उनकी बेइज्जती की, जबकि सच बात तो ये है कि पौना भाई सासू माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाए, इसीलिए वो पटेल साहब से झगड़ने गए थे। और सासू माँ तो कहती है कि पौना भाई को सिर्फ उनके पगार से मतलब होता है, हमारे परिवार के साथ उनका कोई जज्बाती रिश्ता नहीं है। बेबली, ये अनुसुया नहीं बोल रही है। नाना, सासू माँ नहीं बोला। अरे मेरी डाई बेबली, मेरी पूरी बात तो सुन लिया कर। ये अनुसुया नहीं बोल रही है, उसका अहंकार बोल रहा है। मैडम जी, आपकी चाय। मैडम, अरे पौना भाई, अब सासू माँ की बातों का इतना बुरा क्यों मान रहे हो? अरे नहीं मैडम जी, हम नौकर मालिक की बात का बुरा नहीं मानते। देखा ना दादी सास, सासू माँ की बातों ने पौना भाई के दिल पर कितना गहरा घाव दिया है। एक तो सागर जी भी नहीं है, वो भी दिल्ली चले गए। पौना तो उनसे कह देती कि वो पौना भाई को समझा दे। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेबली, आज हनुमान जयंती के दिन पे तुम्हें वही करना है जो कृष्णा जी ने हनुमान जी को करने को कहा था। क्या कहा था? एक बार सुदर्शन चक्र को अपनी शक्तियों पे बहुत घमंड हो गया था, तब कृष्णा जी ने हनुमान जी से कहा था, प्रणाम प्रभु, आदेश दें, ये हनुमान आपके लिए क्या कर सकता है? हनुमान, आपको यहाँ बुलाने का प्रयोजन यही है कि आपको हमारे सुदर्शन चक्र के अहंकार का विनाश करना होगा। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो सर्वशक्तिमान हैं, मगर आपको उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि शक्तिशाली तो वो है जिसमें प्रेम हो, आदर हो, विनम्रता हो, अहंकार नहीं। आपके आदेशानुसार हम सुदर्शन चक्र को ललकारने जा रहा हूं। विजयी भव। सुदर्शन चक्र प्रकट हो, हम आपको ललकारते हैं। हमारी काया पे मत जाइएगा महाबली हनुमान, हम अपनी शक्ति और युद्ध क्षमता से आपको पराजित कर देंगे। हमें जिसने भी ललकारा है उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा है। अगर ऐसी बात है तो हम आपको अपने मुंह में दबाकर आपका अहंकार तोड़ेंगे। आइए महाबली हनुमान, हमने कहा था ना आपको, हम अपनी क्षमता से आपको पराजित कर देंगे। हमने कहा था ना आपको कि हमें मत ललकारिए, सुदर्शन चक्र को पराजित करना नामुमकिन है महाबली हनुमान। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहिं। अब जिस तरह हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड तोड़ा, उसी तरह तुम्हें अनुसुया का घमंड तोड़ना होगा बेबली। लेकिन कैसे? अब इस सवाल का जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, है ना? चल। अरे आप कहाँ चली?
चित्रगुप्त जी से मिलके आती। सासुमा मेरी बात सुनिए, आप पौना भाई को गलत समझ रही हो। वो हमारे परिवार को अपना परिवार मानते हैं और वो तो काम में भी अच्छे हैं सासुमा, उनकी नीयत में भी खोट नहीं है। देखो मही, उस पौना की तरफदारी करना छोड़ दो, क्योंकि मेरा फैसला अटल है। आज हम मृदुला के घर जा रहे हैं, अगर उसका बावर्ची अच्छा होगा तो पौना की जगह पे उसका बावर्ची हमारे घर पे काम करेगा, समझी? लेट्स गो। पौना भाई मुझे एक बात बताइए, आप हमारे परिवार को अपना परिवार मानते हो कि नहीं? मही भौजी, अपने परिवार से बढ़कर आपके परिवार को मानते हैं हम। जो जो सासुमा, पौना भाई हमारे परिवार के बारे में कितना सोचते हैं। अनसुया मेहता, तुम्हें बड़ा शौक है ना अपने अपोजिशन वालों से पंगा लेने का? अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, पहना दो इसे जूतों की माला। नहीं सासुमा, पौना भाई सासुमा की मदद कीजिए। अरे इनके 10,000 के पगार के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा मैं, और वैसे भी सेवा भक्ति का क्या इनाम मिला मुझे, चोरी का इल्जाम। सुना तुमने? सुना, जिस पौने की इतनी देर से तुम तरफदारी कर रही थी वो ऐसी मुश्किल घड़ी में भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरा फैसला कभी गलत नहीं होता, मेरा फैसला हमेशा सही होता है। I'm always right. पौना भाई कुछ कीजिए ना, छोड़ दो मेरे, छोड़ दो। क्या अजीब सास बहू की जोड़ी है, हम चक्कू लेकर खड़े है और ये दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने पे तुली है। को जूतों का हार पहना दे और डाल दे इसके मुँह पे स्याही। पौना भाई कुछ करो ना, सासुमा को बचाओ। अरे क्या हुआ, करो डरावना सपना देखा का? हाँ पौना भाई। घबराइए मत, दोपहर के सपने सच नहीं होते हैं, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना आपके और सासुमा के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होगी। हे भगवान, अरे ऐसे थोड़ी चलता है। एक तो सागर जी भी कंपनी के काम से दिल्ली चले गए, दादी सास भी चित्रगुप्त काका से मिलने हम लोग चले गए, मैं तो यहाँ अकेली ही रह गई हूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हे राम, बजरंग बली अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। हे राम, मुझे तुम्हें वही करना है जो कृष्णा जी ने हनुमान जी को करने को कहा था। दादी हाँ, बजरंग बली ने तो मुझे रास्ता दिखा ही दिया, अभी जो मैंने सपना देखा वही तो रास्ता है। सपने में तो पौना भाई डर गए थे, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा होगा तो पौना भाई तो गिर जाएंगे। हाय हाय, क्या आइडिया है हमको, जय बजरंग बली। लेकिन नहीं मही, अरे दो नकली गुंडे कहाँ से लाऊंगी? हे राम, एक अले ले, डिंग डोंग भाई कब काम आएंगे, उन्हीं को फोन करती हूँ। वाह वाह वाह, हेलो डिंग भाई, अच्छा डोंग भाई, जय अम्बे, मही बोलू छू। हाँ मजा माँ, आप कैसे हो? अच्छा सुनिए डोंग भाई, आज आपकी मुंह बोली बहन को आप दोनों की जरूरत है, क्या आप अपनी बहन की मदद करेंगे? अच्छा हाँ, तो सुनिए, सबसे पहले तो आपको एक स्याही की बॉटल और जूतों की माला, उन दोनों का इंतजाम करना होगा। और आगे क्या करना है वो ध्यान से सुनो। हाँ ये समझ गए ना, हाँ अच्छे से काम करना। हाँ जय अम्बे, लेवर देवर फिटोस। जय बजरंग बली। इसी पार्किंग एरिया से अपनी कार में अनसुया मेहता शाम को 5 बजे अपनी मीटिंग के लिए निकलेगी। ध्यान से सुन, जब अनसुया मेहता 5 बजे अपनी कार के पास आएगी तब मैं उनको मुंह पर शाही फेंक दूंगा और उसे जूतों की माला भी पहना दूंगा। तुम अपने मोबाइल पर इन सब का वीडियो बना लेना,
ठीक है? तुम लोग जो भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मेरे होते हुए मैडम को ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। 5 बजे आओगे ना, 4 बजे मिलता हूं मैं। चलो अच्छा है, डिंग डोंग भाई ने तो अपना काम कर लिया। अब शाम को डिंग डोंग भाई मस्त मुखौटा पहनकर सासू माँ पर झूठ मूठ का हमला करेंगे, लेकिन पौना भाई सचमुच में सासू माँ आपको बचा कर उनकी नजरों में हीरो बन जाएंगे। सोनिया मैं जा रही हूँ। हाय हाय, सासू माँ तो रोज के समय से 15 मिनट जल्दी निकल रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम जो कहना चाहती हो ना वो आउटडेटेड नहीं है, इट्स अप टू डेट, अप टू डेट। ओके, इसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना। वैसे सासू माँ आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट? इट्स नॉट इंटेलिजेंट, इट्स इंटर क्या है? तुम्हारी वजह से मेरी इंग्लिश खराब हो रही। इट्स इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, या तो इंटेलिजेंस होता है। अच्छा वैसा, और वैसे कुरेक्ट हो सासू माँ, एकदम कुरेक्ट बोली हो आप। नहीं, इट्स करेक्ट नॉट करेक्ट। क्या बोलती हो तुम, नहीं आता तो क्यों बात करती हो अंग्रेजी में? सासू माँ ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे ऐसे मत बोलो, ऐसे दुख होता है ना मुझे। और वैसे वो कहते हैं ना सासू माँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा और ऐसे इंसान ऐसे पुरुकटुष करता रहेगा तो रप्पा-रप्पा अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। करो करो करो, पुरुकटुष करो, एक्चुअली इट इज प्रैक्टिस, मगर तुम पुरुकटुष ही करो। हाँ सासू माँ, सासू छटक गए। एक दो भाई को फोन कर देती हूँ, कहाँ गया नंबर? बेबली चले दादी सास, अरे ऐसे थोड़ी चलता है। अब चित्रगुप्त काका से मिलने हम लोग चली जाती है। अब क्या करूं बेबली, मुझे भी इतना कंटाला आता है, रोज रोज हाजिरी देनी पड़ती है। ये चित्रगुप्त जी ने नया नियम निकाला है ना, कभी कभी लगता है मैं मुजरिम हूँ और वो थानेदार है। खैर छोड़, ये बता पौना और अनुसया के बीच के टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या आया? अरे दादी सास, वो मैच तो 20-20 में बदल गया है, और आखिरी ओवर पार्किंग में डिंग डोंग भाई फेंकने वाले। ये डिंग डोंग कौन है? अरे वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले उनको फोन करके बता दूँ कि सासू माँ नीचे ही आ रही है। नंबर हेलो हेलो, अच्छा डिंग डोंग भाई। हाँ बेबली बोलो। बोलिया दादी सास, हाँ? ये डिंग डोंग भाई का फोन आपके पास कहाँ से आया? अरे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये फोन तो उन दोनों का है जिसको मैंने पीट कर भगा दिया। पीट कर भगा दिया? अरे क्यों? अरे वो लोग अनुसुईया पे काली स्याही डालना चाहते थे और जूतों का हार पहनाना चाहते थे। मैंने उन लोग को ऐसा दे धपक दिया, भग गए दोनों, फोन भी मैंने ले लिया। देखो दादी सास, पौना भाई सासू माँ की नजरों में हीरो बने, इसलिए ये सब नाटक किया था मैंने। अब तुम इसे फिर दुष कर देती हो। बेबली मुझे माफ कर दे बेबली, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं दादी सास, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने वही किया एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देकर करती है। लेकिन आप क्या करेंगे दादी सास, एक तो पौना भाई छुपकर उन गुंडों की राह देख रहे हैं जो आने ही नहीं वाले। हाँ नंदिता बोलो। हाँ मुझे पता है, हाँ हाँ मैं निकल ही रही हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, बाय। ज्यादा हिलने की कोशिश कर रहे हो तो काट के रख दूंगा। अभी वाह आ गए, और ज्यादा घमंड ना, तेरी हेकड़ी निकालता हूं मैं। हेकड़ी
सुमा को यही लगेगा कि पौना भाई ने उनकी जान बचाई है। इडली, ये तो लगता है ये डिंग डोंग भाई में से कोई नहीं है, ये तो कोई और ही है। क्या? हाँ। ड्राइवर दिनेश? ये तो सासुमा का ड्राइवर दिनेश भाई है, जिनको सासुमा ने नौकरी से निकाल दिया था। हाँ, और अब वो बदला लेने आया। डोंट वरी अनसुईया जी, इसको इसे किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चलो। पौना, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें जो घाव आया है उससे तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, ये मैं जानती हूं। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि इससे भी ज्यादा दर्द तुम्हें मेरी तीखे शब्दों की वजह से हो रहा होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैडम जी, आप हमसे उम्र में और पद में भी बड़ी हैं, हमसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत करिए। बड़ा तो वो होता है जो माफ करता है। आज हनुमान जयंती है, आज पूरा देश संकट मोचन का जन्मदिन मना रहा है, लेकिन आज संकट मोचन ने तुम्हें भेज दिया मेरे लिए। मैडम जी, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए धन्यवाद। हम सब लोग साथ मिलकर हनुमान जी की आरती गाते हैं। आरती जी जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे हो गिरवर कांपे। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की।